Hello everyone, welcome back to our channel. So we are back again with a new video. Hope so you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. चलिए आज एग करी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एग को बॉईल करके अच्छे से छील लिया है। अब हमने इसमें कट लगा दिया है। मैं अपने मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, इससे इसकी कोटिंग करूँगी। चलिए हमने इसे आपस में मिला लेते हैं। अब मैंने इसमें सभी मसालों को आपस में मिला लिया है, साथ में छोटे साइज के अनियन भी ले लिए हैं। मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें अपने खड़े मसाले ऐड करूंगी। इसमें मैंने बे लीफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग ली है, और इनके चटकने तक मैं इन्हें भूनूंगी। मैंने 3 मीडियम साइज के अनियन चॉप कर लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर लिए हैं, और इसके लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे अच्छे से कुक करूंगी। साथ में मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिला लिया है, और मैं इसे 1 मिनट तक भूनूंगी। अब मैंने इसमें कलर के लिए 1/2 चम्मच कसूरी लाल मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी मिर्च में ऊपर से हल्दी भी ऐड कर लूंगी, इसे आपस में मिला लूंगी। अब मैं इसमें 3 टमाटर जो मैंने चॉप कर लिए थे वो भी ऐड कर लूंगी, और उसे गलने तक कुक करूंगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया है, और ऊपर से अब मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर कम ही डाला है, क्योंकि जब मैंने टमाटर चॉप किए थे उसमें मैंने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी, और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। मैंने गैस में एक पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैं एग्स को सेलो फ्राई करूंगी। अब एग अच्छे से फ्राई हो गया है, अनियन के साथ मैं इन्हें एक प्लेट से निकाल लूंगी। अब मसाला अच्छे से कुक हो गया है, इससे ऑयल सेपरेट होने लगा है। मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लूंगी, और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी। पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के अकॉर्डिंग, और इसे 5 मिनट तक कुक करूंगी। अब मेरा मसाला अच्छे से ग्रेवी के साथ हो गया है, इसमें मैंने अदरक ग्रेट कर ली थी वो भी ऐड करूंगी, साथ में 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, गोभी रखी है। अब मैं इसमें एग भी ऐड कर लूंगी। अब
चार मिनट तक लिड लगा के इसे कुक करूंगी। अब एग को पकते पकते 5 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी में, 2 मिनट और मैं इसे कुक करूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, हमें ये ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें इसे ऐड करती हूँ। इसे आप राइस, चपाती, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। Hope so you enjoyed watching this video, and if you do, please do like, share and subscribe to our channel. And with this note, until we meet again, bye bye, take care.